अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते पशुपालक भाइयों, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आज आपसे बात हम करेंगे सर्रा रोग के विषय में। क्रोनिक सर्रा, सर्रा या सुर्रा, ये बीमारी का नाम है। किसान बंधु, ये बीमारी किस कारण से होता है आपको ये बता रहा हूँ। आपका एक बीमारी परजीवी बीमारी है। ये बीमारी का जो बैक्टीरियल है, कीड़ा जो है परजीवी, उसका नाम है, क्या नाम है, टिप्नोसोमा इवांसी। ये परजीवी कीड़ा है। ये बरसात के मौसम में बीमारी होता है, सर्रा रोग, क्रोनिक सर्रा। अधिकतर ये कीड़ा बरसाती, जैसे घास उस पशु चरागाह में चरने जाती है और उसमें गंदा पानी उनी पीती है, या उसमें परजीवी कीड़ा घोंघा वोंघा होता है उसमें कीड़ा रहता है। गंदा पानी में जो हम लोग चरागाह में खोलते हैं, या हम लोग चरागाह में आप पशु नहीं खोलते हैं पशुपालक भाइयों, या घास काट करके आप लोग जो चारा, हरा चारा है उसको काट कर लाएंगे तो उसमें वो कीड़ा परजीवी बरसात के मौसम में घास पर चिपक जाएगा। ये बीमारी बरसाती मौसम में अधिकतर पाया जाता है। इस तरह भी बीमारी होता है, इस समय भी बीमारी होता है। चरागाह में आप जो पहले का जो घास पानी में भींगा हुआ है, डूबा हुआ है, वो चरेगी गाय भैंस तो उसमें ये बीमारी हो जाएगा। क्या ये परजीवी बीमारी, एंटीप्रोटोजोअल बीमारी ये है। इसका कीड़ा ब्लड में उछाला जाता है, ब्लड में इसमें, अब तो ये बता दिए यही कारण होगा। आपको लक्षण बता देते किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, इसमें लक्षण क्या दिखाई देगा। पहला लक्षण देगा, इसमें बुखार हो जाएगा, 106.7 डिग्री बुखार रहेगा, फीवर हो जाएगा 106.7 डिग्री तक। पशु लड़खड़ाने लगेगी, दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगी मवेशी। दूध का मात्रा दिन प्रतिदिन घटने लगेगा। कितना भी इसमें आप एंटीबायोटिक लगाइएगा, आप किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाकर एंटीबायोटिक दिलवाइएगा, इंजेक्शन, लेकिन फीवर नहीं कम होगा, फीवर उतना ही रहेगा। फीवर का मात्रा इसमें घटे रहे, इसलिए एंटीप्रोटोजोअल बीमारी कहते हैं। इसका कीड़ा ब्लड में है, आपको पहले ही बता दिए। पशु लड़खड़ाने लगेगी, पशु चलने में असमर्थ हो जाएगी, दिन प्रतिदिन चारा दाना कम खाने लगेगी। इस बीमारी दो तरह का होता है, पहले बता दें। एक सर्रा होता है, क्रोनिक सर्रा होता है, दो तरह का होता है। तो सर्रा का भी लक्षण वही दिखा देगा, क्रोनिक सर्रा का लक्षण अभी देखा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। पहले सर्रा जो है उसके विषय में बता देते। सर्रा में जितना बताएं सिस्टम यही होगा। पशु लड़खड़ाने लगेगी, उठना बैठना कम कर देगी, खाना चारा कम कर, दूध का मात्रा दिन प्रतिदिन घटने लगेगा, पशु दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाएगी, पशु उठ नहीं पाएगी। ये तो सर्रा बता दिए, सर्रा रोग का लक्षण। अब क्रोनिक सर्रा का बता देते हैं। क्रोनिक सर्रा में क्या होगा, उसमें भी फीवर कम हो जाएगा, 102-103 डिग्री बुखार रहेगा, कभी सामान्य भी बुखार हो जाएगा, कभी बुखार एक बैग बढ़ जाएगा। इसमें बुखार ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 102-103 तक बुखार रहेगा। चारा भी खाएगी, कम खाएगी चारा, दूध भी देगी, दिन प्रतिदिन दूध का मात्रा घटेगा, पागुर भी करेगी। आपको देर से पता चलेगी बीमारी। जो क्रोनिक सर्रा है, इसमें आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक लग सकता है पशुपालक भाइयों, इसको आपको समझने में कि हमारे मवेशी बीमार है। लेकिन आपका मवेशी, ये आप जान जाइए हमारे बात कहने से, दिन प्रतिदिन चारा दाना कम करने लगेगी, चारा दाना दिन प्रतिदिन घटने लगेगा, पागुर कम करेगी, दूध का मात्रा घटने लगेगा, बुखार हो जाएगा, गाय भैंस आपको जो बैठेगी तो उठने में असमर्थ हो जाएगा, कमर से उठ नहीं पाएगी, उठेगी तो तलमला करके गिर जाएगी, मुंह से लार आने लगेगा, बुखार कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। क्रोनिक सर्रा में ये गाय भैंस सबको ही बीमारी होता है, ये कोई नहीं है कि केवल गाय में ही होगा, भैंस में भी बीमारी होता है। अधिकतर बीमारी भैंस जात में ही अधिक पाया जाता है, क्रोनिक सर्रा बीमारी। ये तो आपको लक्षण बता दिए, लक्षण आपको दिखाई देगा पशुपालक भाइयों। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ पर ये क्यों कारण बता रहे हैं हम। एक बीमारी का 4-5 दवाई बताते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा, देखिए दवाई समझ कर आप रह जाइएगा, दूसरा दवाई नहीं जान पाइएगा। इसलिए कोई भी हमारा वीडियो, जितना भी वीडियो हम बनाए हैं, आप लास्ट शुरू से अंत तक देखिए। देखने से आपको ये फायदा होगा कि इस बीमारी का आपका टोटल 3-4 ठो जो दवाई बताए हैं, सब कोई एक दवाई आपको देना है, लेकिन चारों दवाई आपको बता दें, जो है दवाई आपके पास उपलब्ध है, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब दवाई हम बताते हैं। आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। बीमारी न हो इसके विषय में बता देता हूँ, बीमारी न होने का कारण बता देता हूँ, बीमार कैसे नहीं होगा। पशुपालक भाई, इसमें क्या करना है आपको, कि जो मवेशी चारागाह में आप बरसात के मौसम में भेजते हैं, चारागाह में भेजना बंद कर दें। गंदा पानी जो जागती है बाहर पीते, उसको बंद कर देना, नहीं भेजना है। बाहर का चारा दाना जो लाते हैं घास काट करके, उसको नहीं लाना है। बरसात के मौसम में अधिकतर बचा देना है, इससे बीमारी नहीं होगा।
बीमारी का है तो आपको बता दिए कि यही ये नहीं कीजिएगा तो बीमारी नहीं होगा। ये परजीवी बीमारी भी है जो आप घास उड़ कर भी इसका कीड़ा सांस द्वारा अंदर चला जाता है, सांस द्वारा भी इसमें घुस जाता है पेट में और बीमारी पैदा कर देता है। छुआछूत का भी बीमारी है, जैसे आपके एक मवेशी को आप समझ में आ गए कि हमारे इस गाइया को या भैंस को सर्रा या क्रोनिक सर्रा हो गया तो उसको बाढ़ से अलग बांध दीजिए, पाला आपको करना है उसको अलग खाना पीना दीजिए, अलग चारा दाना दीजिए, ये उपाय कीजिएगा, ये बीमारी नहीं होगा। अब इसका दवाई बता रहे हैं पशुपालक भाई, पहले अंग्रेजी दवाई आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी दवाई जो कि हर जगह उपलब्ध है। इसका दवाई आपको गाय भैंस अगर गाभिन है बच्चा देने वाली है उसका दवाई पहले बता देता हूँ उसको देना है। नाइजोम इंजेक्शन आता है, नाइजोम 2.5 mg का, उसको मांस में देना है, पाउडर टाइप का रहेगा, उसमें डिस्टिल वाटर रहेगा, डिस्टिल वाटर उसमें डाल करके किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाकर नाइजोम इंजेक्शन पूरा डीप मांस में दिलवा देना है, उसके साथ 10 ml एविल देना है और एक और इंजेक्शन देना है। आपका फीवर अगर है तो मेलोनेक्स इंजेक्शन आता है, मेलोनेक्स उसको 10 ml देना है और उसके साथ आपको न्यूरोकाइंड उठने बैठने में बता रहे थे उसमें न्यूरबियन का इंजेक्शन न्यूरोकाइंड आता है, न्यूरोकाइंड प्लस 10-10 ml 3 दिन देना है, लेकिन नाइजोम इंजेक्शन एक ही देना है उसके साथ एविल के साथ में, एविल का इंजेक्शन दे करके उसके बाद नाइजोम इंजेक्शन दे देना है। उसके बाद में ये तो आप बता दिए गाभिन जो मवेशी है उसके लिए, जो गाभिन नहीं है उस मवेशी की दवाई बता रहे हैं पशुपालक भाई, उसमें बेरनिल इंजेक्शन आता है 20 ml और 30 ml का भाइल में आता है। जो गाय भैंस बच्चा दी है दूध दे रही है फीवर उतर नहीं रहा, फीवर 106.7 है तब बेरनिल देना है, अगर फीवर माने सही है फीवर 2-3 है, फीवर ज़्यादा हार्ड नहीं है 6-7 डिग्री नहीं है उसमें बेरनिल नहीं दे, जो फीवर ज़्यादा है उसके हम दवाई बता रहे हैं बेरनिल, जिसका फीवर नहीं उतर रहा है आप बेरनिल दीजिए 20 ml बड़ा मवेशी को, 20 ml का बेरनिल लगाइएगा, छोटा मवेशी है उसको उसे छोटा है साल भर का है तो 10-12 ml दीजिएगा, उसे भी छोटा है माने 50 kg का है तो 1 ml इस तरह आपको देना है बेरनिल इंजेक्शन फीवर के लिए, जो फीवर नहीं उतरता इस बीमारी में उसके लिए बेरनिल दीजिएगा और नहीं तो जो गाभिन मवेशी है उसको नाइजोम इंजेक्शन दीजिएगा। नाइजोम आपके पास नहीं उपलब्ध है तो ट्राइक्विन इंजेक्शन आता है, जो क्रोनिक सर्रा का हम दवाई बता रहे हैं पशुपालक भाई, क्रोनिक सर्रा में नाइजोम नहीं तो ट्राइक्विन, ट्राइक्विन को देने का नियम बता देता हूँ पशुपालक भाइयों, ट्राइक्विन पाउडर घर में आता है उसमें डिस्टिल वाटर को मिला दीजिएगा, मिलवाकर किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाकर या अपने इंजेक्शन देते हैं तो दे सकते हैं, दोनों तरफ सबकट देना है मांस और चमड़ा के बीच दोनों तरफ गर्दन में देना है इंजेक्शन, आधा इस गर्दन में आधा इस गर्दन में दोनों तरफ आप दे दीजिएगा, हमारा राम बढ़े। उसके साथ ये भी जरूर देना है एविल और न्यूरबियन का सुई न्यूरोकाइंड, एविल 10 ml और न्यूरबियन 10-10 ml 3 दिन, 30 ml का भाइल आता है 3 दिन आपको देना है, ये भी 1 रोज केवल देना है और नाइजोम भी 1 रोज देना है पशुपालक भाई। आप आपको घरेलू दवाई बता रहा हूँ, घर पे जो आपकी दवाई है आप किसी भी पंसारी के यहाँ या जहाँ जड़ी बूटी का दवाई मिल रहा है वहाँ पर आप जाइएगा, कहिएगा कि भाई हमको कहिया का बिया दे दीजिए, कहिया का बिया ले लीजिएगा, कहिया के बिया को 4 बिया रोज देना है, थूड़ करके माठा या गुड़ के शरबत में मिला करके 4 रोज आपको पिलाना है 4-4 ठो कहिया का बिया। अगर ये कहिएगा कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी भी पंसारी के यहाँ जाइएगा, किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा आपको, कहिया का छाल भी आता है या उसका पत्ता मिल जाए, पेड़ होता है कहिया का पेड़ होता है, पत्ता भी या छाल मिल जाए तो वो भी काम करता है इस बीमारी में, छाल को 1/2 kg पानी में उबाल करके उसको पिलाना है 4 रोज रामबाण दवाई, या पत्ता मिला था पत्ता आपको खिला सकते हैं, पत्ता एक पौवा पत्ता रोज खिलाइए कम से कम 1 हफ्ता तक, हमारा रामबाण है कि इस दवाई को आप दीजिएगा आपका सर्रा क्रोनिक सर्रा कोई भी बीमारी। लेकिन इसमें एक और उपाय करना है पशुपालक भाइयों, हमको बताना भूल गए, आपको मवेशी को अधिकतर छाया में रखना है, घाम में नहीं रखना है, इसमें फीवर बढ़ जाता है, छाया में रखना है, खाना पाना गर्म चीज नहीं देना, जैसे कोल्लू का खली गर्म होता है नहीं देना है, भूसा नहीं देना है, करना है आप लोग जो धान का निकलता है वो नहीं खिलाना है, ठंडा भोजन देना है, जौ का दलिया आप दीजिए, पुआल का कुट्टी दीजिए, चोकर दीजिए, तीसी का खली दीजिए, ये सब आपको खिलाना है। इसमें क्रोनिक सर्रा या सर्रा में भूख कम लगता है,
तो आप भूख का भी टैबलेट दे सकते हैं, फुर्रा बूस्ट आता है, एट फिट आता है, कोई दो दो बोलस खिलाते रहिएगा इंजेक्शन देने के बाद में या घरेलू दवाई करने के बाद में। किसान बंधु इस तरह करिएगा, आपका सर्रा, क्रोनिक सर्रा, कोई भी सर्रा एंट्री परजीवियल बीमारी है, ये सब ठीक हो जाएगा, कीड़ा मर जाएंगे। किसान बंधु अगले बार फिर आऊँगा, आपको किसी दूसरे पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।